Hello students, as you can see, all these things are prevailing in our society. Early age mein marriage, teenage pregnancy that leads to either abortion of the child or childbirth means a big responsibility of bringing up the child at the time of studies and making career. It's the prime responsibility of your parents, elders and teachers to discuss with you all these issues, their adverse effect on your body and mind, and how you can prevent yourself from these things. हम पढ़ चुके हैं कि प्यूबर्टी के टाइम से रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी स्टार्ट होती है. तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक लॉन्ग टाइम में होती है. और एडोलेसेंट एज में जब आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी चल रही है, साथ में आपके बॉडी की जनरल ग्रोथ भी हो रही है. तो सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि योर बॉडी एंड माइंड इज प्रिपेयर्ड फॉर द सेक्सुअल एक्ट और यू कैन गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चाइल्ड. योर बॉडी एंड माइंड शुड बी रेडी फॉर दिस एक्ट. कई बार आपके ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर फ्रॉम योर फ्रेंड्स टू टेक पार्ट इन सच एक्ट वेदर यू वॉन्ट और नॉट. कई बार यू हैव प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली टू गेट मैरिड एट अर्ली स्टेज एंड स्टार्ट हैविंग चाइल्ड. पर आपको पता है कि योर बॉडी एंड माइंड इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्ट. एंड इफ यू गेट मैरिड अर्ली, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आएगी एक बेबी के ब्रिंगिंग अप की, जिसके लिए अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. उसके अलावा कई बार सेक्सुअल एक्ट के थ्रू भी बहुत सारी डिजीजेस फैलती हैं. आपको पता होना चाहिए, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो. उन डिजीजेस को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या STDs. वो डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ये बहुत बड़ा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है कि ऐसी डिजीजेस, इनके बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, बड़े पेनफुल से स्वेलिंग, पेन, बर्निंग सेंसेशंस इन जेनाइटल ऑर्गन्स, पेनफुल यूरिनेशन, सोर्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं. तो ये बहुत पेनफुल सी एक कंडीशन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये दो तरह के पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, या तो बैक्टीरियल डिजीजेस या वायरल होती हैं, या वायरस कॉज करेगा या बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल STDs हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस. वायरल इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल हैं वार्ड्स एंड HIV/AIDS. You have to remember these names, कौन सी bacterial है, कौन सी viral है. तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि जो छोटा नाम है virus या viral 5 alphabet का, उसके examples भी warts 5 alphabet का और AIDS 4 alphabet का. तो जो छोटा नाम है उसके example की भी spelling छोटी छोटी है. जो बड़ा नाम है 9 alphabet का bacterial, उसका gonorrhea वो भी 9 alphabet का और syphilis 8 alphabet का. तो जो छोटे नाम के छोटे एग्जाम्पल्स और बड़े नाम जो है स्पेलिंग उसके बड़े एग्जाम्पल्स. तो इस तरीके से पिक्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हो. ये गोनोरिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये साइफिलिस का बैक्टीरिया है. साइफिलिस बैक्टीरिया प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, मींस अगर मदर है इन्फेक्टेड विद साइफिलिस तो उसका बेबी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा साइफिलिस. तो उसके अलावा वायरल STDs हमने क्या देखी, वार्ड्स का ये वायरस है और ये है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसके अलावा STDs एक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है सेक्सुअल एक्ट का. उसके अलावा जब भी जो सेक्सुअल एक्ट है दैट ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू लीड, इट कैन लीड टू प्रेगनेंसी. आपको पता है कि जब भी स्पर्म एंड ओवम मीटिंग होगी तो ऑलवेज देर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो प्रेगनेंसी हो सकती है. अगर चाइल्डहुड एज में, अर्ली एज में प्रेगनेंसी होती है, आपको पता है योर बॉडी एंड माइंड इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड. प्रेगनेंसी ऑलवेज रिक्वायर मेजर डिमांड्स ऑन बॉडी एंड माइंड.
कई बार इस चीज पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपके आपकी एक क्लासमेट की शादी हो रही है, डू यू अग्री विद दैट और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट. हाउ विल यू कन्विंस हर पेरेंट्स? तो आप उसके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे ये सारी चीजें बता के कि हर बॉडी एंड माइंड इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्ट. अगर अभी इस एज में प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस की मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके, बेबी को होल्ड कर सके. एक बार को होल्ड कर भी लिया तो डिलीवरी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम के पेन और स्ट्रेस को कैसे बेयर कर पाएंगे? एक बार को वो भी बेयर कर लिया तो उसके बाद एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप चाइल्ड. जब आप खुद पढ़ रहे हो, अभी आपको पूरी पढ़ाई करनी है और अपना कैरियर भी बनाना है, तो योर बॉडी एंड माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स. एक दूसरी, इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स डिवाइस किए गए हैं बर्थ कंट्रोल करने के. क्या मेथड्स हैं? इन मेथड्स को हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी कहते हैं. क्या क्या मेथड्स हैं? बैरियर मेथड है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं और है सर्जिकल मेथड. ये चारों मेथड्स हम डिटेल में बात करेंगे. ये हैं कुछ मेथड्स. तो पहला है बैरियर मेथड. देयर आर सम काइंड ऑफ बैरियर, मैकेनिकल बैरियर बिटवीन ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होते हैं. कॉन्डम्स होते हैं, ये रबर या लेटेक्स की शीट होते हैं, विच आर वोर ऑन पीनस इन मेल्स और इन वजाइना इन फीमेल्स. तो क्या होगा? ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. एक खास बात है कि फर्टिलाइजेशन से बचाने के साथ साथ, प्रेगनेंसी रोकने के साथ साथ, ये जो बैरियर मेथड है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स और वार्ट्स वगैरह से भी बचाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यू हैव टू रिमेम्बर कि बैरियर मेथड अकेला मेथड है जो इट प्रिवेंट्स एसटीडीज अलोंग विद कंट्रासेप्शन. दूसरा मेथड है ओरल पिल्स का. कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिनको ओरली लिया जा सकता है या इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है. ये एक्चुअली बॉडी में हार्मोनल लेवल को चेंज करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं, जिससे एग्स रिलीज नहीं होते हैं. फीमेल्स लेते हैं मोस्टली, तो एग्स रिलीज नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अब क्योंकि हार्मोनल लेवल को चेंज कर रहे हैं बॉडी में, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. उसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, मींस कुछ डिवाइसेस, IUDs कहते हैं शॉर्ट में, कुछ डिवाइसेस बॉडी में यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाती हैं. यू कैन सी टी के शेप की स्ट्रक्चर है जिसे कॉपर टी कहते हैं या फिर लूप्स कुछ एग्जांपल हैं इसके. ऐसी चीजों को यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं. अब इनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. कई बार यूट्रस का इरिटेशन होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या बहुत सारे इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. अगला मेथड है सर्जिकल मेथड. नाम से क्लियर है कोई सर्जरी करी जाती है. तो आपको पता है कि मेल में ये ट्यूब कौन सी है? वैस डिफरेंस, जो स्पर्म्स जो टेस्टिस में फॉर्म हुए उनको कैरी करके लेके जाती है. तो मेल में ट्यूब वैस डिफरेंस को कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है, छोटा सा पीस कट करके निकाल दिया गया और इसको बांध दिया गया. तो जब ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो यू कैन सी कि स्पर्म्स यहाँ फॉर्म तो होंगे पर वो रिलीज नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी. फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स में कट और टाई कर देते हैं जिससे कि स्पर्म और ओवम मीटिंग नहीं हो पाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो दिस वे मेल में वैस डिफरेंस इज ब्लॉक्ड और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, जिससे कि फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रेगनेंसी. ये लॉन्ग रन में तो सेफ है, पर अगर ये सर्जरी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की गई तो बहुत सारे इन्फेक्शंस और दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ये है सारे मेथड्स जो हमने पढ़े अभी तक. बैरियर मेथड जो स्पर्म एंड ओवम मीटिंग प्रिवेंट करेगा, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड जो हॉर्मोनल बैलेंस को चेंज करेगा जिससे कि ओवरी में ओवम रिलीज नहीं होंगे. थर्ड मेथड है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जहां पर आपको पता है कि कुछ डिवाइसेस जैसे कि लूप या टी शेप की कॉपर टी यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाती है
जिसे ये भी एक कंट्रासेप्टिव मेथड है, और फोर्थ मेथड है सर्जिकल मेथड, जहां पर फीमेल में फैलोपियन ट्यूब और मेल में वैस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हम पहले भी देख चुके हैं ये जो सभी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं, पर इन सभी के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कौन सा मेथड एडॉप्ट करना है, देयर शुड बी प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स। अब आप जानते हो कि दिस सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैव द पोटेंशियल दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, means in case of absence of contraceptive method, if contraceptive methods are not used, or failure of contraceptive methods, or in case of rape, there are unwanted pregnancies. तो क्या होगा? It will be followed by medical termination of pregnancy or removal of unwanted pregnancies through surgery. That is called abortion. क्या होता है यहाँ पर? आपको पता होना चाहिए कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, और दिस बेबी इज दिस फीटस इज क्रश्ड इन द यूट्रस, और इसके पीसेस कट किए जाते हैं, दीस कट पीसेस आर सक्ड आउट थ्रू वैक्यूम। तो इस तरह से ये इतनी पेनफुल सी प्रोसेस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन। अगर एक कम एज की गर्ल में 15, 16, 17 इयर्स की एज में गर्ल में ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, तो इनके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं बॉडी में। इट मे बी कि वो गर्ल फिर कभी फ्यूचर में कंसीव ना कर पाए, कभी भी मदर ना बन पाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि उसकी डेथ तक हो सकती है, मीन्स ये फेटल हो सकता है कई बार। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के, इफ परफॉर्म्ड इन अ टीनेज गर्ल। उसके अलावा हमारे सोसाइटी में इसका एक बहुत बड़ा मिसयूज है कि बहुत सारे पेरेंट्स को, सभी को ऑलमोस्ट बेटे चाहिए, बेटियां नहीं। तो अगर फीटस की सेक्स पता चल गया, मींस प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन करवा लिया लोगों ने, किसी तरह से उन्हें सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता चल गया, मेल है या फीमेल, इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, तो सीधा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन करवा देते हैं लोग। इस तरीके से इलीगल सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस हमारी सोसाइटी में चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, ये फीमेल फीटिसाइड जो हो रही है, ये हमारे सोसाइटी में फीमेल मेल सेक्स रेशियो को डिस्टर्ब कर रहा है। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल फीमेल सेक्स रेशियो बैलेंस होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसलिए हमारे कंट्री में दिस प्रीनेटल सेक्स टर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। याद रखना है कि दिस इज बैन, स्टैट्यूटरी बैन है इस प्रोसेस पे, और बिल्कुल भी लीगल नहीं है सेक्स डिटरमाइन करवाना। तो ये हम सभी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट अवेयरनेस सो दैट वी कैन फाइंड फॉर्म अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब हमको पता है कि दिस रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, और ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन रखती है। पर ये जो बर्थ एंड डेथ रेट्स हैं, पिछले कुछ टाइम में काफी चेंज आया है इसमें, मींस मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होने के बाद से बर्थ रेट तो इंक्रीज हुआ है, पर डेथ रेट काफी कम हुआ है। यानी कि जो मदर्स की डेथ हो जाया करती थी डिलीवरी के दौरान, या फिर कई बार स्टिल डेथ होती थी, बेबी जो है वो डाइड बॉर्न हुआ, या बर्थ के तुरंत बाद इन्फेंट की डेथ हो गई, तो इस तरह के डेथ रेट्स में काफी कमी आई है, जिससे कि पॉपुलेशन साइज तेजी से इंक्रीज हुआ है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर पॉपुलेशन साइज इसी स्पीड में, इसी अलार्मिंग स्पीड में इंक्रीज होता रहा, तो बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगा, और एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा भी है जिसकी बेसिक नीड्स यानी रोटी कपड़ा और मकान भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए हम सभी क्या को एफर्ट्स लगाने हैं सो दैट वी ऑल टुगेदर कैन फॉर्म रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी ऑफ स्मॉल साइज। So with this, I am going to complete the chapter, How Do Organisms Reproduce?
अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू.